प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको एक प्रबंध काव्य है आत्मजयी, जिसको लिखने वाले कुंवर नारायण, तो उस काव्य के संबंध में थोड़ी सी मैं जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। यहाँ पर जो व्याख्या लिखी है वो व्याख्या इस काव्य की बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या है, जिसके बारे में आप लोग इसको पढ़ेंगे या इसकी जानकारी प्रदान प्राप्त करेंगे। तो कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के कवियों में कुंवर नारायण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि कुंवर नारायण ने गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी कलम को चलाया है, अर्थात इन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है, तो दोनों का साथ साथ निभाने वाले कवि कुंवर नारायण की एक रचना है आत्मजयी, जो प्रबंध काव्य है। अब प्रबंध के बारे में मैंने एक बार आपको जानकारी दी थी कि प्रबंध काव्य कौन सा काव्य होता है और उसमें कौन से लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि यह काव्य प्रबंध काव्य है या मुक्त काव्य है या चंपू काव्य है। तो विद्वानों ने, आचार्यों ने यानी काव्य के ये तीन भेदी माने हैं। तो प्रबंध काव्य हिंदी का वह काव्य होता है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, तो वह प्रबंध काव्य है। तो इस दृष्टि से आत्मजयी कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। तो इस प्रबंध काव्य में यानी कौन सी कथा है और इस कथा में नचिकेता जो इसके एक प्रमुख पात्र हैं उसके माध्यम से यानी किस प्रकार से अपने पिता के विरुद्ध यानी अपनी जो मानसिक वेदना है, अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहता है, पुरानी जो संस्कृति है उसका विरोध करना चाहता है और ये अपने आप में ही मतलब स्वतंत्र और अपने अनुभव की बातों के माध्यम से इस व्याख्या में कुंवर नारायण ने बताया है। अब प्रबंध काव्य तो वो काव्य होता है और मुक्त काव्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है कि प्रबंध काव्य अगर चुना हुआ गुलदस्ता है तो मुक्त काव्य उसके चुने हुए फूल, यानी प्रबंध काव्य में जहाँ पर रस की धारा का क्रम रहता है और इसमें कोई क्रम छूट नहीं पाता, तो इसके विरुद्ध मुक्त काव्य का प्रत्येक छंद होता है वो स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र होने के कारण ही इसे मुक्त कहा जाता है। और एक होती है तीसरा इसका भेद होता है चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण रूप दिखाई देता है, तो वो हिंदी साहित्य में चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। तो आत्मजयी ये जो प्रबंध काव्य है, इस प्रबंध काव्य में कुंवर नारायण ने इस व्याख्या के अंतर्गत क्या कहना चाहा है। जैसे मान लीजिए उनकी एक व्याख्या है, पिता तुम भविष्य के अधिकारी नहीं क्योंकि तुम अपने हित के आगे नहीं सोच पा रहे हो, न अपने हित को ही अपने सुख के आगे तुम वर्तमान को संज्ञा तो देते हो पर महत्व नहीं, तुम्हारे पास जो है उससे ही बार बार पाते हो और सिद्ध नहीं कर पाते कि उसने तुम्हें संतुष्ट किया, इसीलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पाने वाला तत् नहीं होता, तुम्हारे पास जो है उससे और अधिक चाहता है, विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो। यानी इस प्रबंध काव्य में नचिकेता एक प्रमुख पात्र है और इस प्रमुख पात्र का जो पिता है बाजश्रवा, यानी वो एक राज्य का राजा है और जिस प्रकार से राजा लोग यानी अपने राज्य में अपने परंपराओं के अनुसार जो शासन कायम करते हैं और यानी भोली भाली जनता को अपने अंकुश में ले लेते हैं, तो इससे संबंधित ही इस व्याख्या में नचिकेता का पूर्ण कथन है, जो ये कहता चाहता है कि अपने पिता की जो परंपराएं हैं, जो मान्यता हैं, उनमें वो विश्वास नहीं करना चाहता है, बल्कि वो पिता को तो कहता है पिता तुम भविष्य के अधिकारी नहीं है, यानी वो कहता है कि ये राजपाट हमेशा चलने वाले नहीं होते हैं, आज तुम्हारे पास में राज्य है तो कल ये राज्य किसी और दूसरे के हाथ में आ जाएगा, तो आप अपने आप को इसका उत्तराधिकारी मत समझो।
क्योंकि तुम अपने हित के आगे नहीं सोच पा रहे हो। और वह वज्रसभा को सचेत करते हुए कह रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, क्योंकि राज्य में अगर स्वार्थ आ जाता है तो वो राज्य ज्यादा सफल नहीं हो सकता। न अपने हित को ही अपने सुख के आगे, यानी अपने सुख के आगे आप अपने हित को ही ध्यान में रखते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाते। और इससे यही होता है कि आपका जो स्वार्थ है, आपकी जो स्वार्थ भावना है, वो अपने राज्य में यानी आगे बढ़ करके आ जाती है। इसलिए आप अपने कामों में ही ज्यादा महत्व देते हो। तुम वर्तमान को संज्ञा तो देते हो पर महत्व नहीं, यानी वर्तमान को आप यानी अपने अनुसार भोग रहे हो, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो भविष्य क्या होगा इसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तुम्हारे पास जो है उससे ही बार बार पाते हो, यानी आपने एक परंपरा, आपने एक मर्यादा इस राज्य में कायम कर रखी है, उसी परंपरा के अनुसार, उसी के अनुसार आप राजभोग भी कर रहे हो और उसमें तुम्हारा स्वार्थ ही सिद्ध होता है। और सिद्ध नहीं कर पाते कि उसने तुम्हें संतुष्ट किया। आप यानी दूसरों के बारे में कोई सोचते नहीं हो, दूसरों की कोई सलाह लेते नहीं हो, और आप अपने जो कार्य करते हो उसी से आप संतुष्ट रह पाते हो और इसमें ही आपकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पाने वाला तृप्त नहीं होता। यानी तुम्हारी जो कृपा है, तुम्हारी कृपा से जो राज्य संचालित हो रहा है वो फिर पाने वाला तृप्त नहीं होता, वो उसी के अनुसार आचरण करता है। तो ऐसा आचरण करने से भी यानी वो राज्य के प्रति तृप्त नहीं होता है और तुम्हारे पास जो है उससे और अधिक जाता है, विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो। और वो जो तुम्हारे जो राज्य को चलाने वाले और भी व्यक्ति हैं वो इनसे तृप्त नहीं होते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हमारे पास में और ज्यादा यानी अधिकार आ जाए। विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो और वो सोचते हैं कि इस राज्य में हमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, हमारी जो राज्य की परंपराएं हैं जो इनमें यानी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यानी इस व्याख्या में नचिकेता के माध्यम से अपने पिता का जो राज्य है, अपने पिता के जो विचार हैं, उन विचारों का नचिकेता ने यानी थोड़ा सा विरोध सा किया है। तो इससे संबंधित मैं आपको और भी खुल करके अच्छी तरह से इसको बताना चाहूँगा कि शाश्वत जीवन मूल्यों की तलाश में भटकने वाला एवं अमृतत्व अथवा व्यक्ति अस्तित्व के प्रश्नों के प्रति अटल जिज्ञासा रखने वाला नचिकेता न तो परंपरा से चले आ रहे तथा कथित धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखता है और न उन अंध पालन करने वाले अपने पिता वज्रसभा और उनकी भौतिक सिद्धियों में विश्वास रखता है। फलस्वरूप उसे अपने पिता के क्रिया कलाप तनिक भी संतुष्ट नहीं कर पाते। इसी से उन सब से अपनी असहमति को प्रकट करते हुए एवं पिता की विचारधारा तथा हिंसात्मक यज्ञादि को असंगत ठहराते हुए नचिकेता जो कुछ सोचता है वही यहाँ पर वर्णित हुआ है। यानी नचिकेता अपने राज्य और अपने पिता जो राजा है उसके बारे में जो सोचता है उसी के उसके अनुसार इस व्याख्यान में या इस व्याख्या में प्रस्तुत हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। नचिकेता कहता है कि हे पिता वज्रसभा, तुम अनागत के अधिकारी नहीं हो। कारण यह है कि तुम केवल मात्र स्वार्थ सिद्धि तक ही सोच पाते हो, उससे आगे नहीं। यानी आप जो राज्य का संचालन कर रहे हैं वो अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सच तो यह है कि अपना सुख पाने के आगे तुम आत्महित भी नहीं सोच पाते हो। भाव यही है कि अपने से आगे आने वाली भावी पीढ़ियों का हित न सोचकर तुम केवल मात्र अपने को और अपने हित को ही सर्वोपरि समझते हो, जो निसंदेह एकदम एकांगी और अधर्यपूर्ण का परिचायक है। तुम वर्तमान को सर्वस्व समत्य मानते हो, यद्यपि उसको भी तुम केवल नाममात्र ही समझ पाते हो। कारण यह है कि तुम उसके भी महत्व को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते कि वर्तमान भी मूलतः भविष्य का ही एक अंग है अथवा काल मात्र का एक आवश्यक भाग है। वास्तव में तुम वर्तमान से भी संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि भावी सुख प्राप्ति के लोग में
कि ये हिंसा भरे यज्ञादि करते हो। यानी नचिकेता इस व्याख्यान में सीधे सीधे अपने पिता जो राज्य का मालिक है उसको यानी एक चुनौती के रूप में इस व्याख्यान में इनके विचारों का आगमन हुआ है। संभवतः तो इसी से तुम बारंबार वही सब कुछ पाते हो जो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। इसी अधिकाधिक प्राप्ति के लोभ में तुम यह भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हो कि तुम अपने प्राप्य से संतुष्ट हो, क्योंकि बारंबार उन्हीं भौतिक सुखों को अधिकाधिक पाना चाहते हो और इसके लिए ही निरंतर प्रयत्नशील भी बने रहते हो। तुम्हारी ही तरह की स्थिति दूसरों के अथार्थ भाव पीढ़ी की भी है। यानी आप जैसा राज्य का संचालन कर रहे हैं उसी प्रकार से आने वाले भी यानी तुम्हारे से ही शिक्षा ले रहे हैं और उस राज्य में अपने स्वार्थ सिद्धों के लिए वो भी ऐसा ही करेंगे। प्रमाण यह है कि तुम्हारी ही तरह तुम्हारे देह को प्राप्त करके वह भी संतुष्ट नहीं होती, दूसरी ओर वह भी उसे ज्यादा प्राप्त करना चाहती है जो कि तुम उसे देते हो और जितना कि तुम्हारे पास है। उसे यह विश्वास नहीं होता कि तुम केवल इतना ही दे सकते हो अथवा तुम्हारे पास केवल इतना ही है जितना कि तुम दे रहे हो। कहना न होगा कि यही परंपरा का विश्वास भरा लोग वर्तमान और भावी पीढ़ियों के संघर्ष का मूल कारण है। अगर इस रचना को देखा जाए तो इस रचना में यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक पुरानी जो पीढ़ी होती है वो पुरानी पीढ़ी यानी अपने किस प्रकार से यानी जीवन को या राज्य का संचालन करती है और जो नई पीढ़ी है वो किस प्रकार से यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करती है, इसके बारे में यानी कुंवर नारायण ने एकदम से खुल करके इसमें स्पष्ट कहा है। अगर इस व्याख्या के बारे में अगर और भी हम इसकी विशेषता देखें इसमें क्या है, तो संक्षेप में मैं यह कहना चाहूँगा कि नचिकेता के चरित्र की दृष्टि से यह अंश बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कई चारित्रिक विशेषताओं जैसे स्पष्टवादिता, यानी इसमें नचिकेता के चरित्र में स्पष्टवादिता है, पिता पुरातनता या परंपरा से असहमति, यानी वो अपने पिता के राज्य जो संचालन कर रहे हैं उससे सहमत नहीं है बल्कि असहमत है, चिंतन परक, वो अपने मन में यानी चिंता उभारता है और सोचता है, प्रवृत्ति तथा वस्तुवादी दृष्टिकोण का विरोध आदि का उद्घाटन हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रबंध काव्य में एक परंपरा जो पुरानी परंपराओं में विश्वास करने वाली जो पुरानी पीढ़ी है और एक नई पीढ़ी जो अपने हिसाब से चलने वाली है, इन दोनों का यानी इसमें सांगोपांग चित्रण हुआ है। तो इस दृष्टि से प्रबंध काव्य की दृष्टि से अगर आत्मजयी को देखा जाए तो यह वास्तव में एक प्रबंध काव्य है और उस प्रबंध काव्य में जो इसका मुख्य पात्र है नचिकेता, इसके यानी चरित्र की विशेषताएं इस पद्यांश में देखी जा सकती हैं। जैसा अभी आपने सुना स्पष्टवादिता, यानी वो स्पष्ट कहना चाहता है और चिंतन परक प्रवृत्ति वाला है, और असहमति यानी अपने पिता के जो विचार हैं उससे असहमत हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में जो रचना थी यानी आत्मजयी और इसका जो कवि था कुंवर नारायण, तो इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।